हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिक्सअप.कॉम और स्वागत है आपका। काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। आईपीएल 2020 के टाइम पर हम मिले थे, जब हमने सारे मैचों का एनालाइज किया था, सारे मैचेस को डिस्कस किया था। और अब आईपीएल 2021 फाइनली स्टार्ट हो गया है। कल से स्टार्ट हुआ था पहला मैच, मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी। आरसीबी इस बार उनका शुरुआत अच्छी रही। मुंबई इंडियंस जैसा कि 2013 से होता आया है, पहला मैच वो हमेशा हारते रहे हैं, पर बाद में वो काफी अच्छा कमबैक करते हैं। आज हम फोकस करेंगे आज का जो मैच होने वाला है, सीएसके वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। सीएसके की टीम के बारे में बात करेंगे। सीएसके का पिछला जो सीजन रहा था 2020 का, उतना अच्छा नहीं रहा था। एमएस धोनी उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे, काफी डस्टेड लगे थे। केदार जाधव बहुत ही ऑर्डिनरी खेले, बहुत ही ज्यादा बॉल ले रहे थे, कुछ भी उनका स्ट्राइक रेट निकल के नहीं आ रहा था। ऋतुराज गायकवाड जो पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, उसके बाद उन्होंने स्क्वाड ज्वाइन किया था, उन्होंने काफी अच्छी इनिंग्स खेली, 3 इनिंग्स उन्होंने खेली थी, बाद में काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। सैम कोरन का अच्छा परफॉर्मेंस था, बट एज अ टीम इन होल सीएसके उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। इस आईपीएल 2021 की बात करें तो उन्होंने अपनी टीम में कुछ चेंज किए हैं। एमएस धोनी तो है ही है, उन्होंने ट्रेड किया है मोइन अली को। सो मोइन अली वापस आ गए हैं, वापस नहीं आ गए हैं, सीएसके ने उनको खरीदा है आरसीबी से। और उसके बाद जोश हेजलवुड जो उनके प्राइमरी वेपन होने वाले थे बॉलिंग डिपार्टमेंट में, उन्होंने बैक ऑफ कर लिया है ड्यू टू द आईपीएल, नॉट आईपीएल, दैट जो बबल होता है उसकी सिकनेस के कारण। और उसकी जगह अभी कुछ ही दिन पहले सीएसके ने साइन ऑफ किया है जेसन बेरेनडॉर्फ, जो कि लेफ्ट आर्म के बहुत ही ज्यादा हाइट है, उनकी एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। बाकी प्लेयर्स की बात करें तो जो पहले खेल रहे थे वो प्लेयर्स अभी भी कंटिन्यू नहीं किए हैं। ड्वेन ब्रेवो हैं, दीपक चाहर हैं, सैम करन हैं, फवदू प्लेसेस हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, और एक ऑलराउंडर जिस पर काफी पैसा खर्च किया है सीएसके की मैनेजमेंट ने, वो है कृष्णप्पा गौतम। सो कृष्णप्पा गौतम, एज यू ऑल नो, ही इज अ हैंडी क्रिकेटर, ही कैन हिट फ्यू सिक्सेस एंड आल्सो ही इज कैपेबल टू फिनिश हिज कोटा ऑफ 4 ओवर्स। सो दैट्स अ गुड एडिशन टू द सीएसके स्क्वाड। उसके बाद इमरान ताहिर, जिनको एक भी मैच खेलने को नहीं मिला था 2020 में। रविंद्र जडेजा एक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था उन्होंने 2020 में, और वो फिर से टीम के साथ जुड़ेंगे। थोड़े दिनों के लिए इंजर्ड थे पर अब अवेलेबल हैं। इसके साथ जगदीशन को कुछ मौके मिले थे, लुंगी नगीडी भी उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। एक सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है सीएसके का, वो है कि इस बार आपको मिलेंगे चेतेश्वर पुजारा। जी हाँ, जिन्होंने आईपीएल का ऑक्शन फॉलो किया है उनको ये बात पहले से पता होगी, पर इस साल चेतेश्वर पुजारा आपको आईपीएल में दिखेंगे, और आईपीएल में दिखेंगे सीएसके की तरफ से खेलते हुए। इसके साथ हैं सुरेश रैना, जिन्होंने आईपीएल 2020 से बैक ऑफ कर लिया था ड्यू टू फैमिली रीजंस। अंबाती रायडू हैं, हरिशंकर रेड्डी हैं, मिचेल सैंटनर एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। ही कैन आल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन द बैटिंग डिपार्टमेंट आल्सो। करण शर्मा है, शार्दुल ठाकुर जिनका कुछ काफी अच्छे मैचेस जा रहे हैं इंडिया की तरफ से खेलते हुए। उसके साथ एक सरप्राइजिंग एडिशन था रॉबिन उथप्पा, जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे, और इतना अच्छा सीजन उनका नहीं गया था, पर लास्ट में जब वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने जा रहे थे तब उन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेली थी, तो रॉबिन उथप्पा को खरीदा है। और रॉबिन उथप्पा को ऐसा लगता है धोनी हमेशा से सपोर्ट करते हैं, उनको वर्ल्ड कप में भी खिलाया था 2007 के आई थिंक T20 वर्ल्ड कप में। और जोश हेजलवुड विथड्रॉन प्लेयर, स्टीवन फ्लेमिंग इज द कोच। सो इस तरह की टीम बनी है सीएसके की, कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, मोइन अली, धोनी, सैम करन, सुरेश रैना, ड्वेन ब्रेवो, ऋतुराज गायकवाड़, कृष्णप्पा गौतम और रविंद्र जडेजा। तो एंड चेतेश्वर पुजारा को वो किस तरह यूज करने वाले हैं ये तो अभी किसी को पता नहीं है, किस तरीके का उनका रोल रहेगा और चेतेश्वर पुजारा किस स्ट्राइक रेट से खेलेंगे ये भी अभी तक पता चलेगा जब वो आज के मैच में उतरेंगे, अगर उनको मौका मिलता है तो। अगर दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड की बात करें तो हम उसको भी देख लेते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स में कौन कौन से प्लेयर्स हैं।
दिल्ली कैपिटल्स में शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत जो कि कैप्टन भी अभी करेंगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच हो रहे थे उसमें वो इंजर्ड हो गए थे ओडीआई में। शिमरन हेटमायर जो कि काफी अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और काफी अच्छा सीजन रहा था उनका दिल्ली कैपिटल्स के लिए पिछला। स्टॉइनिश जिनसे इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा था किसी भी फ्रेंचाइजी ने, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से उन्होंने एकदम से टीम को जो लिफ्ट दिया अपनी परफॉर्मेंस से, उसी का कारण था कि दिल्ली कैपिटल्स सेमीफाइनल तक पहुंच पाई। क्रिस वोक्स अवेलेबल हैं, सो ही इज आल्सो वेरी हैंडी ऑलराउंडर। रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल जो कि अभी कोविड पॉजिटिव हो, अभी हालांकि कुछ दिन लगेंगे उनको टीम से जुड़ने में, तो ही इज नॉट अवेलेबल टू प्ले। अमित मिश्रा, ललित यादव, प्रवीण दुबे को साइन ऑफ किया था दिल्ली कैपिटल्स ने, आरसीबी के साथ थे वो, पर जब अमित मिश्रा इंजर्ड हो गए तब प्रवीण दुबे को आरसीबी की स्क्वाड से खरीदा था इन द मिडल ऑफ द सीजन इन द आईपीएल 2020। देन इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट वी हैव कगिसो रबाडा, एनरिच नॉर्जे जो कि खाली 20 लैक्स में बिके थे आईपीएल 2020 में, और उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया था। अब वो साउथ अफ्रीका की मेन जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है, नेशनल क्रिकेट टीम है, उसमें भी वो रेगुलर फीचर हो गए हैं। अभी मैं मैच देख रहा था पाकिस्तान के खिलाफ और काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो काफी दारोमदार रहेगा एनरिच नॉर्जे के ऊपर भी, क्योंकि उन्होंने पिछले सीजन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। ईशांत शर्मा, आवेश खान, स्टीवन स्मिथ को बहुत ही चीप में खरीदा दिल्ली कैपिटल्स ने, सिर्फ 2 करोड़ के आसपास उनको स्टीवन स्मिथ मिल गया, राजस्थान रॉयल्स की जो पिछले साल कैप्टनशिप कर रहे थे, और इस साल वो खेलेंगे स्टीवन स्मिथ दिल्ली कैपिटल्स से। उमेश यादव हैं और कुछ प्लेयर्स और हैं, टॉम कोर्रन, सैम कोर्रन है सीएसके में, और टॉम कोर्रन है आपके दिल्ली कैपिटल्स में, तो भाइयों का होगा आमना सामना। और उसके साथ हैं सैम बिलिंग्स जो कि एक अच्छे लोअर ऑर्डर बैट्समैन है और काफी अच्छे फील्डर है, तो ये जो मुकाबला आज होने वाला है लग रहा है कि एकदम बराबरी का होने वाला है। दोनों ही टीम ऐसा कुछ स्टार स्टडेड प्लेयर्स नहीं है कि जैसे राजस्थान रॉयल्स के पास है बेन स्टोक्स या जॉस बटलर, पर जो टीम का बैलेंस है दोनों का अगर देखा जाए तो काफी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था आईपीएल 2020 में और वो अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखना चाहेंगे आईपीएल 2021 में। थोड़ा सा स्लाइट एज मैं देना चाहूंगा सीएसके को, क्योंकि कृष्णप्पा, गौतम, मोइन अली, सुरेश रैना और केदार जाधव चले गए सनराइजर्स हैदराबाद पर जो ऋतुराज गायकवाड़ अगर चलते हैं, धोनी है, सुरेश रैना है, अंबाती रायडू है, मोइन अली है, और फिर कृष्णप्पा गौतम है, सैम करन है, तो थोड़ा सा एज और धोनी की कैप्टनशिप है तो थोड़ा तो एडवांटेज रहेगा सीएसके के ऊपर। पर दिल्ली कैपिटल्स की भी टीम बुरी नहीं है, पर फिर भी अभी ऑन द पेपर इफ वी सी देन सीएसके इज ऑन द लुकिंग अ बेटर टीम ऑन द पेपर। सो क्या होगा इस मैच में प्रेडिक्शन तो नहीं कह सकते, लिटिल ऑन द सीएसके साइड, वी विल सी यू आफ्टर द मैच हाउ दिस मैच विल प्रोग्रेस। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, किस प्लेयर को आप देखना चाहते हैं कि वो अपना पहला मैच अपनी टीम के लिए जरूर खेले, क्या आप मोइन अली को खेलते हुए देखना चाहते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं कि चेतेश्वर पुजारा को लेके काफी फैंस में थोड़ी सी अफरा तफरी मची हुई है कि उनको मौका मिलेगा कि नहीं, और अगर मिलेगा तो वो कैसी बल्लेबाजी करेंगे। तो काफी सारा एक्साइटमेंट है, काफी सारा इमोशन है, सीएसके के फैंस जो कि हमेशा से जज्बाती होते हैं काफी इमोशनल होते हैं, और दिल्ली कैपिटल्स आफ्टर पॉन्टिंग हैज कम इनटू देयर स्क्वाड, देयर लेवल हैज गॉन टू स्काई हाई एंड नाउ पंत विल बी कैप्टनिंग, सो दैट इज आल्सो वेरी सरप्राइज एलिमेंट बिकॉज श्रेयस अय्यर इज इंजर्ड, दैट मींस वन मोर बैट्समैन, वन अदर बैट्समैन विल गेट चांस टू प्ले इन द फाइनल प्लेइंग 11 एंड ऋषभ पंत हु इज वेरी वोकल बिहाइंड द स्टंप्स, उनका भी देखना होगा कि वो कैसी अपनी टीम के लिए कैप्टनशिप कर पाते हैं। तो काफी काफी सारी चीजें हैं इस मैच को देखने के लिए, धोनी को जो भी फैंस हैं वो इंतजार कर रहे होंगे इस मैच का, ऋषभ पंत पहली बार कैप्टनशिप कर रहे होंगे, पुजारा को मौका मिलता है कि नहीं वो देखना होगा, मोइन अली को मौका मिलता है कि नहीं, कृष्णप्पा गौतम को मिलता है कि नहीं, और दिल्ली कैपिटल की साइड से लेग स्पिनर वो किसको खिलाने वाले हैं, क्या प्रवीण दुबे खेलेंगे, क्या खेलेंगे अमित मिश्रा, तो काफी सारी चीजें हैं जो कि इस मैच को बहुत ही रोमांचक बनाती हैं। तो आज तक अभी के लिए अभी हम यहीं पर रुकते हैं, मैच के बाद हम आपसे फिर से जुड़ेंगे कि मैच कैसा रहा, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम ऐसे ही वीडियो आगे आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स थैंक्स एवरीवन।